हेलो फ्रेंड्स, आज हम वनीला आइसक्रीम बनाएंगे। इस आइसक्रीम को मैंने GMS और CMC पाउडर के साथ बनाया है। ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम की जैसे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ml गाय का दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है, आप इसकी जगह फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। 75 ग्राम मलाई लेंगे, ये घर के दूध की फ्रेश मलाई है, आप इसकी जगह अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। 175 ग्राम टू 200 ग्राम चीनी लेंगे, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लेंगे। यदि मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मलाई की क्वांटिटी को बढ़ा लें। 1.5 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, 1/4 टीस्पून CMC पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच GMS पाउडर लेंगे। GMS और CMC पाउडर ऐड करने से आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और ये बहुत ही क्रीमी और सिल्की बनकर तैयार होगी। 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ले लेंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में 1/2 कप दूध निकाल लेंगे। दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर, GMS पाउडर और CMC पाउडर को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसे हम साइड में रख देते हैं और गैस में दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। फ्लेम को इस वक्त मीडियम में रखेंगे। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर ऐड करने के बाद अब इसमें हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिला लेंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। दो से तीन मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम दूध में मिलाया हुआ GMS, CMC और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। दूध को कंटिन्यूसली चम्मच से हिलाते रहें ताकि ये बर्तन में लगे ना। लगभग 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाने के बाद अब दूध हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे नीचे उतार लेते हैं। अब इसे हम चम्मच से हिलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब दूध में से गर्म भाप निकल जाए हम इसमें 75 ग्राम मलाई ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई मिलाने के बाद अब इसमें हम 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रीजर में चिल्ड होने के लिए रख देंगे। दो से 2.5 घंटे हो गए हैं, आइसक्रीम का मिक्सचर अच्छा चिल्ड हो गया है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। इसके लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम 1/2 मिक्सचर ऐड करेंगे। अब इसे हम 1/2 मिनट के लिए चर्न कर लेंगे। आधा एक मिनट चर्न करने के बाद हमारी आइसक्रीम के मिक्सचर में अच्छा वॉल्यूम आ गया है, ये लगभग दुगनी हो गई है। अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे और इसी तरह बचे हुए आइसक्रीम के मिक्सचर को भी चर्न कर लेंगे। चर्न करने के बाद अब इसे भी हम पहले से चर्न किए हुए मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने 1/2 लीटर दूध लिया था। अब आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बढ़कर लगभग 1.5 लीटर हो चुकी है। अब इसे हम कवर करके फ्रीजर में रात भर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी आइसक्रीम अब अच्छे से सेट हो चुकी है, इसे मैंने रात भर के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखा था। अब इसे हम निकाल कर सर्व कर देते हैं। हमारी होममेड वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें।
और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।